आखिरकार हमने उसे ढूंढ ही लिया। वो तो मिलना ही था। सही कहा तुमने, मेरा नाम है जॉन सिल्वर और अब हम ये सारा खजाना यहाँ से ले जाएंगे। हाँ, ले जाएंगे, ले जाएंगे। ये क्या, ये कौन है? कैप्टन, 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 कैप्टन। तुम जैसे समुद्री डाकुओं की वजह से ये पूरा समुद्र खराब होता है, तो अब मैं बताऊंगा कि हिस्पानियोला शिप का कैप्टन कौन है। कैप्टन नोबिता। नोबिता, अब ये मजाक बंद करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम नोबिता हो या कोई और। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगा। ये क्या? ओ, अब नहीं बचोगे। अरे नहीं, हार मान लो सिल्वर। मजाक मत करो। अरे वाह, हम सब अमीर बन गए हैं। आखिरकार हमने ढूंढ ही लिया। बिना कुछ कहे से रख लो। ये तो मॉन्स्टर है। नोबिता, तो इसी तरह हीरो ने उस समुद्री डाकू सिल्वर को हराया और खुद अपने साथियों के साथ सारा खजाना ले लिया। और ये है नोबल ट्रेजर आइलैंड की कहानी का सारांश। और इसी कहानी पर मैं एक और नोवेल लिख रहा हूँ, जिसमें समुद्री डाकू हमारे इस नए जमाने के समुंदर में आते हैं। पूरी होने के बाद मुझे पढ़ने के लिए देना। हाँ, सबसे पहले मैं तुम्हें ही दूंगा। मुझे भी तुम्हारे नोवेल में आना है। छोड़ो इस मामूली सी नोवेल को, हम सब एक साथ ट्रेजर आइलैंड पर चलते हैं। पहला हुआ समुद्र, हर तरफ पानी पानी, उसके बाद रेगिस्तान जैसा आइलैंड। चलो समुद्र डाकुओं को हराते हैं और खजाना लेकर आते हैं। क्या एडवेंचर होगा। सुनो सुनो जिसका, तुम भी मेरे साथ चलोगी ना? क्या कर रहे हो नोबिता? समुद्री डाकुओं ने खजाना किसी समुद्री गुफा में छुपाया है। ये ज्यादातर बनावटी कहानियाँ होती है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसी कोई गुफा नहीं होती है। नोबिता, क्या तुम्हें बाकी ऐसा लग रहा है?